उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल 15 अगस्त को एक बाइक रैली में ब्रजेश पाठक उल्टा तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्रजेश पाठक का ये वीडियो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक रैली के दौरान का है। इस रैली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उल्टा राष्ट्र ध्वज लहराते नजर आ रहे हैं और उनके अगल बगल उनके समर्थकों का काफिला चल रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने भी इसे मुद्दा बना लिया है और ट्वीट कर डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बाइक रैली का वीडियो शेयर करते हुए तीखा हमला किया गया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि देश का अपमान करने में नंबर वन है भाजपा, इनकी देशभक्ति केवल दिखावे की है। वीडियो में ब्रजेश पाठक द्वारा फहराए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे है, जबकि फ्लैग कोड 2002 के अनुसार केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे होना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उस बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में युवा शामिल थे। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे जो कि साथ साथ चल रहे थे, लेकिन न तो किसी युवा और न किसी सुरक्षा कर्मी की ही इस पर नजर पड़ी और ब्रजेश पाठक उल्टा तिरंगा लहराते रहे। डिप्टी सीएम का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विरोधी दल बाइक की रैली की इस तस्वीर और वीडियो को शेयर करके ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।